ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई, ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो, उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी, मैंने कहा ठीक है। एक चीज़ मुझे पूछना है, एक मिनट बोलने दो यार, आप ये बताइए, एक मिनट रुक जाओ, आप बताइए फिर क्या हुआ, बोलने दो यार, बोलो बोलो फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, ब्लैनो है तो गाड़ी हम ले, लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाई जान उनके नीचे एक लड़की है, लड़कों ने जान पूछ के इस मौत को अंजाम दिया, उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं घर मैं चली गई, मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया, मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर पे चली गई डर के मारे, मैं घर पे जाने के बाद मैं बहुत रोई, उसको ब्लैनो गाड़ी दो बार आगे लेके गई, दो बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी, उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था, वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के, अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। निधि सारी बात गलत कर रही है, नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई, कोई फ्रेंड ऐसी होती है जो अकेले छोड़ी आई, और एक्सीडेंट नो कहते हैं, मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई, दो बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई, सब सोची समझी साजी से, निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो पांचों लड़कों को सजा दी जाए। चीज़ें तो बहुत उलझी हुई है, मैंने उनको यही दिलासा दिया है कि अपने को ठीक रखो, आप खड़े हो, हम लोग उसके उनके साथ हैं, और बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और हमारा सरकार से पुलिस से यही गुजारिश है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और सरकार से गुजारिश है कि इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, उनका स्थिति हालात आर्थिक मदद की जाए, और जो नौकरी मिलनी है वो तत्काल मिले। जो लड़की थी जो भाग गई थी प्लेस से, उसका तो कुछ मैं उसके बयान से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उसका बयान का समर्थन नहीं मानती उस लड़की को भी कि वो छोड़कर चली गई थी। देखिए हम दोषी नहीं कह सकते, लेकिन जो वो बोल रही है उसका मैं समर्थन नहीं करती।